दोस्तों पिछले 2 से 4 दिन पहले के एपिसोड्स में आसिम रियाज को नहीं दिखाया जा रहा था। यह सच भी है क्योंकि बिग बॉस 13 में सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला और सना को दिखाया जा रहा है। वही सना कभी सिड से नाराज होती है तो सिड कभी सना से, और थोड़ी देर बाद सना सिड को मनाने की कोशिश भी करती दिखाई दे रही है। यह थोड़ा बोरिंग भी लग रहा है। तो दोस्तों यह सब देख कर आसिम रियाज के फैंस बहुत ज्यादा नाराज है, अपसेट दिखाई दे रहे हैं। क्या सच में आसिम रियाज घर में अपसेट हैं या फिर कलर्स और बिग बॉस वाले जानबूझकर आसिम रियाज को नहीं दिखा रहे? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले एपिसोड में सना सिद्धार्थ शुक्ला से बहुत ज़्यादा नाराज हो जाती हैं। उस दौरान आसिम रियाज सना को समझाते दिखाई दे रहे थे। आसिम ने कहा, सिड आपका बहुत अच्छा दोस्त है, उसके पास जा और उससे बात कर। यह सब हमें वूट के एक्स्ट्रा डोज एपिसोड में देखने को मिला है। तो दोस्तों इस वजह से आसिम रियाज के फैंस ने ट्विटर पर एक और ट्रेंड चला दिया है। इस ट्रेंड का नाम है वी वॉच बीबी फॉर आसिम। इसका मतलब है हम सिर्फ बिग बॉस आसिम रियाज की वजह से देखते हैं, कृपया आप आसिम रियाज के फुटेज हमें दिखाएं। आपको तो पता ही है कि पिछले दिनों आसिम रियाज के फैंस ने ट्विटर पर हैशटैग वीर चॉइस आसिम ट्वीट को ट्रेंड पर ला दिया था। इस हैशटैग का यूज लगभग 7 मिलियन ट्वीट्स के साथ है ट्विटर पर शेयर किया गया था। कुछ इसी तरह का गुस्सा आसिम रियाज के तमाम फैंस ने हैशटैग वी वॉच बीबी फॉर आसिम ट्वीट को ट्रेंड पर लाकर बिग बॉस और कलर्स वालों को आसिम रियाज को दिखाने के लिए मजबूर कर दिया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि बिग बॉस और कलर्स वाले आसिम रियाज को जानबूझकर एपिसोड्स में नहीं दिखा रहे? कमेंट करके नीचे जरूर बताएं। और कौन कौन आसिम रियाज को बिग बॉस 13 के घर में एक बार फिर से फुल टाइम देखना चाहता है यह भी कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें।